पिछले दिनों राजनांदगांव जिले के ग्राम जोरा तराई में आकाशीय बिजली गिरने से स्कूली बच्चे समेत 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि राज्य शासन के आदेश के बाद राजस्व विभाग द्वारा गांव में मुनादी कराकर मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मेघदूत और आकाशीय बिजली से जनहानि और पशु हानि से बचाव के लिए दामिनी ऐप का जानकारी दी जा रही है। वहीं इस विषय को लेकर डोंगरगढ़ एसडीएम मनोज मारकाम ने बताया कि बारिश के मौसम में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि तथा पशु हानि को रोकने आपदा तथा प्रबंधन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए दामिनी ऐप का लोगों को डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है। दामिनी ऐप के माध्यम से 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान मिल जाएगा, जिससे कि पशु हानि और जन हानि को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं मेघदूत ऐप के माध्यम से किसानों को मौसम का पूर्वानुमान जैसे तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति और दिशा इत्यादि की जानकारी मिलेगी। दामिनी ऐप का प्रचार प्रसार हम सभी ग्रामों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से, कोटवारों के माध्यम से किया जा रहा है। उसके अलावा भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बिजली से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है और अधिक से अधिक जागरूकता करना हमारा उद्देश्य है ताकि दुर्घटनाएं कम हों, उनसे बचाव किया जा सके।